आपका स्वागत है फ्रेंड्स पार्ट टू में। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं शेषनाग का फन कैसे बनाया हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग घास या फिर पैर के जो बांधे रहते हैं ना शेषनाग के लिए, उसमें जो है बांस को जो है हल्का पतले पतले काट लेना है छोटे छोटे टुकड़े के हिसाब से, और उसके बाद इसको लगाना है। और इसके बाद जो है घास को गीली मिट्टी में लगाकर कुछ इस तरह से धीरे धीरे ऐसे से हल्के हाथों से रखते जाना है, ना कि उसमें ज़्यादा प्रेशर देना है। ज़्यादा प्रेशर देने से जो है फन जो है ना जाएगा नीचे झुक जाएगा, जिससे वो खराब हो जाएगा। तो देखिए मैं जो है धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी लगाना स्टार्ट करता हूँ। 10 से 15 मिनट सूखने के बाद मिट्टी लगाना स्टार्ट किया हूँ, ताकि जो है ना उसका फन जो है खराब ना हो और ये अच्छा से लगे रहे, अच्छा से दिखे। इसके साथ मैं फास्ट फॉरवर्डिंग किया हूँ, और यहाँ पर जो मेरे कुछ साथी लोग थे जो मेरा मदद कर रहे थे, तो उनका क्लिप थोड़ा सा देखिए। उम्मीद करता हूँ ये लोग अच्छे लगेंगे, और ये लोग जो है फ्रेंड्स मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं मिट्टी लाने में, मिट्टी मिक्स करने में, और जो है मूर्ति बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प करते रहते हैं। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं, इसलिए इनका भी आज वीडियो बनाया हूँ। और वीडियो यही लोग बनाते हैं, तो और ये मैं मिट्टी सहा रहा हूँ चिकनी मिट्टी, जो उसके सूखने के 2 दिन बाद लगाया हूँ इसमें जो है मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। लोग कुछ ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स, और पहले कुछ ऐसे दिख रहा था, अब कुछ ऐसे दिख रहा है। ओके थैंक यू।